मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो हमें बस्तर की प्राचीन समुदाय की ओर ले जाएगा। ये विषय न केवल हमारी आधुनिक समझ को चुनौती देता है, बल्कि हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। कल्पना कीजिए बस्तर का एक सुंदर गांव, जहाँ प्रकृति और मानव एक सहज संबंध में बंधे हुए हैं। यहाँ की महिलाएं खेतों में कार्यरत या जंगल में व्यस्त अचानक प्रसव पीड़ा का अनुभव करती हैं और फिर वहाँ प्रकृति की गोद में जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है। कोई अस्पताल नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, फिर भी एक नई आत्मा इस धरती पर आती है और विस्मयकारी ये है कि इस प्रक्रिया में उन्हें वह पीड़ा नहीं होती जिसकी कहानियाँ हम सुनते आए हैं। इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे आधुनिक समाज में प्रसव के समय दर्द को लेकर एक निश्चित धारणा बन चुकी है। 9 महीने तक एक निरंतर चिंतन कि वह दिन आ रहा है, वह दिन आ रहा है, और इस तरह हम स्वयं को एक मानसिक अवस्था में ले जाते हैं जहां दर्द अपनी चरम सीमा पर होगा। लेकिन बस्तर के समुदाय में इस धारणा का अस्तित्व ही नहीं है। अब आधुनिक विज्ञान भी इस अवधारणा की ओर लौट रहा है। विशेषकर फ्रांस जैसे कुछ पश्चिमी देशों में बिना दर्द के प्रसव को पुनः खोजा जा रहा है। ये सब एक बार फिर मानसिक स्थिति और विश्वास की शक्ति को प्रमाणित करता है। यदि मन में विश्वास हो कि दर्द नहीं होगा तो वास्तव में दर्द नहीं होता। समाज के कारण एक ऑटो हिप्नोसिस की स्थिति बन जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें सिर्फ समाज के कारण आप यकीन कर लेते हैं और खुद की प्रकृति के साथ संबंध तोड़ देते हैं, ट्रस्ट खो देते हैं। हमारी वास्तविकता किसी हद तक हमारे विश्वासों और धारणाओं द्वारा निर्मित होती है। चाहे वह प्रसव का दर्द हो या जीवन की कोई अन्य चुनौती, हमारा दृष्टिकोण ही हमारे अनुभव को आकार देता है। हमें अपने पे वापस लौटना है। समाज ने जो धारणा हमारे मन पर जड़ दी है उससे मुक्त होना है। बात बिना दर्द के जन्म देने की नहीं है, बात है अपनी आँख खोलने की और जीवन को जाग कर जीने की, कि तुम खुद अपने जीवन के निर्णय ले सको और सत्य को अपना सको। प्रणाम।